हेलो नमस्कार दोस्तों, 15 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो एक आर्टिकल आया है वो मेनली आया है किसानों के मूवमेंट के बारे में। तो इस आर्टिकल में जो पॉइंट हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। देखो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि अभी महाराष्ट्र के अंदर किसानों का मूवमेंट हुआ था उसके बारे में, कि जो मूवमेंट के बारे में पॉइंट डिस्कस करेंगे। किसानों का बहुत पीसफुल मूवमेंट था, अप्रोक्सीमेट 30,000 के आसपास किसान थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो मुंबई तक गए थे, पैदल यात्रा की। जिस तरीके से गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी उसी तरीके से किसानों ने बड़े शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन है, मूवमेंट है, इसको अंजाम दिया है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि भाई गांधी की आइडियोलॉजी से प्रभावित ये मूवमेंट था, कोई भी इस मूवमेंट में हिंसा नहीं हुई। 6 तारीख से उनकी पदयात्रा स्टार्ट हुई थी, 6 से 12 के बीच में। तो मतलब 6 दिन की पदयात्रा के अंदर कोई भी ऐसा जगह नहीं दिखी कि जहाँ पे भाई वो हिंसा वगैरह की गई हो या फिर कोई भी तरीके से उपद्रव वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं था। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये इतनी बड़ी प्रोटेस्ट है वो उस प्रोटेस्ट को अंजाम वो दिया गया था। तो उसको यहाँ पे आर्टिस्ट जो राइटर है वो एक्चुअली उसकी तारीफ कर रहे हैं कि किसानों का आज के टाइम पे इतना अच्छा मूवमेंट है वो तारीफ लायक है। और इसी बात से खुश होते हुए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने किसानों की जो भी डिमांड्स थी उनको लगभग पूरा मानने की कोशिश की है और उनके लिए जो भी स्टेप उठाने के नए प्रावधान वगैरह किए हैं। तो ये सब बेसिक इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो मेनली 2-3 एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि भाई बात ऐसी कि किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो है क्या। जैसे किसानों की देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो ये है कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो लगभग 60% जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है ना वो डिपेंड करता है बारिश के मौसम पे। अब मानसून आपको पता है कि आज के टाइम पे काफ़ी इनरेगुलर और कभी तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ता रहता है। तो ऐसे हालात में क्या है कि एग्रीकल्चर पे लोग अब निर्भर नहीं रह सकते। दूसरी बात आती है MSP की, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस होती है। अब देखो भाई कोई भी किसान अगर फसल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली पैसा चाहिएगा ना। अब ये तो है नहीं कि उसने 100 रुपये की फसल पैदा की और उसे 50 रुपये में बेच दे, जितनी उसकी लागत है उससे ज़्यादा तो पैसे उसे चाहिए ना ताकि उसका प्रॉफिट हो और वो अपनी आजीविका भी चला सके। तो एक तो MSP है वो बहुत कम होती है आज के टाइम पर। इसके बाद में बात आती है कॉस्ट प्राइस वही हो जाती है कि आज के टाइम पे जो लागत है ना जो फसल पैदा करने में जो लागत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किसानों की। जैसे पहले तो क्या होता था कि किसानों को ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं करने होते थे, बस आज के टाइम पे काफ़ी मेडिसिन जो एक तरीके से जो पेस्टिसाइड वगैरह सॉरी उनका भी यूज़ करना होता है। इसके साथ ही जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह है तो उनका भी अगर यूज़ कर रहे हैं किसान तो उनको काफ़ी मतलब महंगा पड़ता है, तो वो भी सारी एक किसानों के लिए प्रॉब्लम। इसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है उसमें भी काफ़ी इनरेगुलरिटी रहती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद में पानी की सबसे बड़ी समस्या जो कि हम मानसून से डिस्कस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि मानसून का इनरेगुलर होना भी पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ ही देखा जाए तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला एरिया है उस वाले एरिया में क्या है कि लगभग सूखा पड़ता रहता है। तो उस वाले एरिया में अगर सूखा रहता है तो वहाँ के किसानों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी आजीविका नहीं चला पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। देखो आज जो इंसान अपनी आजीविका नहीं चल सकता तो उसको ऑब्वियसली काफ़ी सारी प्रॉब्लम तो होने वाली हैं। तो इस कंडीशन में वो चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट उनके लिए पानी वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था करे, उनके लिए जो भी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है वो भी प्रॉपर ढंग से हो, इसके साथ जो उनको जो लोन वगैरह दिया जा रहा हो उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब छूट वगैरह हो। तो वो किसान अपनी अपनी डिमांड है वो सामने गवर्नमेंट के रख रहे हैं। तो उस आर्टिकल के यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए जो हमने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुअली साइंटिस्ट के बारे में है। तो देख लेते हैं उनके बारे में क्या क्या नहीं जो पॉइंट्स आते हैं वो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो हो जाते हैं। इस आर्टिकल में देखो मेनली पॉइंट ये डिस्कस किए गए हैं कि जो हॉकिंग जो साइंटिस्ट थे एक्चुअली उनके बारे में डिस्कस किया गया कि उनकी डेथ वो हो गई थी कल, जो कि यूके के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका मेन जो रिसर्च वगैरह उनका जो एरिया था वो था कॉस्मोलॉजी और ग्रेविटेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हॉकिंग्स थे उनका मेन एरिया था वो था ग्रेविटेशन और कॉस्मोलॉजी। तो हॉकिंग्स ने कॉस्मोलॉजी और ग्रेविटेशन के एरिया में काफ़ी रिसर्च वगैरह की, काफ़ी बुक्स वगैरह उन्होंने लिखी थी और ब्रह्मांड के काफ़ी रहस्य वगैरह उन्होंने हैं वो सामने लेके आए थे लोगों के। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे सामने आते हैं। बट एक यहाँ पे सबसे अच्छी बात आती है वो आती है उनकी एक बुक का, जो कि काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में उनकी बुक थी जिसके बारे में UPSC में भी पूछ सकती है। तो वो बुक है उसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये UPSC हमें ध्यान रखना क्योंकि उन्होंने काफ़ी देखो रिसर्च वगैरह की है, काफ़ी उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रहा है। एक तरीके से उन्हें आइंस्टीन के इक्वल है वो कंपेयर करने की यहाँ पे कोशिश भी की गई है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो सारी वो बाकी चीज़ें तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट हमें बेसिक जो चीज़ें जो UPSC पूछ सकती है यहाँ पे हम उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करें। तो आपको इस बुक का ध्यान रखना है कि भाई ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये आज इसके बारे में 2 आर्टिकल आए थे मेनली, तो हमने दोनों आर्टिकलों को यहाँ पे कवर नहीं किया है। ये एक्चुअली एक आर्टिकल तो आया था यहाँ पे 2nd पेज के ऊपर आया था स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में, और एक आर्टिकल आया था वो आया था 1st पेज के ऊपर ये हॉकिंग्स के बारे में कि भाई 1942 में उनके जन्म हुआ और 2018 में उनकी डेथ हुई। तो वो सारे पॉइंट्स अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडिया और जापान के इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में जो आर्टिकल है उसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हो इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में, जो कि इंडिया के फॉरेन रिलेशन के साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो होता है GS2 में
इस आर्टिकल में देखो क्या डिस्कस किया गया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई इंडिया है उसके पास ह्यूमन कैपिटल काफ़ी अच्छा है, देखा जाए जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी की कमी है, जापान के पास ह्यूमन कैपिटल की कमी है, मतलब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर इंडिया और जापान दोनों एक साथ मिल जाएं तो एक तरीके से इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है और दोनों को ही बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया को फ़ायदा होगा, दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और देखा जाए तो इसी बात का फ़ायदा है वो इंडिया और जापान दोनों आपस में रिलेशन को इम्प्रूव करके ले सकते हैं। इसके बाद में बात की जाती है क्वाड ग्रुप का, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो क्वाड ग्रुप है वो दोनों ही कंट्रीज़ ने, मतलब उसमें इंडिया भी है, जापान भी है, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी है और यूएसए भी है, इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया। क्यों? ताकि चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर वो किया जा सके। अब देखो इंडिया और जापान दोनों ही है ना वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के लिए चाइना है वो उसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चाइना का जो एरिया दबदबा है वो लगातार आसपास के एरिया में बढ़ता जा रहा है। इसे हम देखो मैप से एक बार डिस्कस करते हैं ताकि हमारे जो भी इश्यूज हैं इस वाले एरिया में वो क्लियर हो जाए एक बार। जैसे ये आप देख सकते हो ये यहाँ पे है जापान और ये यहाँ पे इंडिया और चाइना है यहाँ पे। अब आपको पता है कि चाइना जो मैंने ये साउथ चाइना सी वाला एरिया है जो कि यहाँ पे वियतनाम या साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज हैं इस वाले एरिया में अपनी प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि जापान के लिए भी ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इवन इंडिया के लिए तो इंडियन ओशन वाले एरिया में भी आ जाता है थोड़ा, तो इंडिया के लिए भी एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जापान है वो चाइना को काउंटर करना चाहता है और इंडिया भी जापान को काउंटर करना चाहता है। तो एक तरीके से चाइना के दोनों ही दुश्मन है इंडिया और जापान, तो मतलब दुश्मन दुश्मन क्या हो गया, दोस्त हो गए, तो वो वाला सीन यहाँ पे है। और इवन इंडिया और जापान के रिलेशन स्टार्टिंग से काफी अच्छे रहे, काफी अच्छे यहाँ पे चीजें डिस्कस की गई हैं। अब चलते हैं हम आगे। आगे देखो यहाँ पे जापान के द्वारा इंडिया में काफी सारे प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये चलाया जा रहा है। इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया का डेवलपमेंट हो, तो चाइना की भी जो प्रेजेंस है उसको भी कहने की लगाम दिया गया जिसके। इसके बाद में देखा जाए तो बुलेट ट्रेन के लिए भी लास्ट ईयर एग्रीमेंट वगैरह होता, बुलेट ट्रेन भी जापान के सानिध्य में ही बनाई जा रही है। तो मतलब बात यह है कि जापान इंडिया में लगातार इन्वेस्ट और बढ़ा रहा है और इससे इंडिया को बहुत फायदा है वो होने वाला है। अब देखो राइटर कह रहे हैं कि देखो इंडिया और जापान के रिलेशन में स्कोप है ना वो बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर में स्कोप की कोई कमी नहीं है कि भाई ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट अभी तक जो पोटेंशियल है ना जितना स्कोप है उसको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। मतलब जितना आउटपुट आ सकता है इंडिया और जापान के रिलेशन में उतना आउटपुट अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? एक तो बात की जाती है यहाँ पे सबसे बड़ी कि देखो आज के टाइम पर जो रिलेशन होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं ट्रेड पर या इकोनॉमी पर। तो देखा जाए तो ट्रेड रिलेशन है वो इंडिया और जापान के अभी कम है। अब इंडिया और जापान के ट्रेड रिलेशन कम क्या है वो भी इस आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया है और आर्टिकल में बेसिकली इन्हीं मुद्दों को ज्यादा तवज्जो वो दी गई है। देखो इंडिया का जो ट्रेड है वो चाइना के साथ ज्यादा है, इसका कुछ डाटा वगैरह भी यहाँ पे दिया गया, तो आपको ये डाटा याद नहीं रखना है, बस केवल आपको ये समझना है कि सीन है क्या, कि सारा कि क्या सिनेरियो चल रहा है। देखो इस आर्टिकल में बताया गया कि जापान की एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये राइटर है वो उनके द्वारा ये आर्टिकल ही लिखा गया है JETRO के द्वारा कि भाई उन्होंने थोड़ा डाटा वगैरह दिया है कि देखो इंडिया और जापान के बीच का जो ट्रेड है ना बाइनल ट्रेड है वो है एक्चुअली 13.48 बिलियन का। अब देखिए एक बार ढंग से इस डाटा को, इंडिया और जापान के बीच का ट्रेड हुआ है $13.48 बिलियन का, और वहीं देखा जाए तो चाइना और जापान के बीच में ट्रेड आप देख सकते हो वो है 350 बिलियन का। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड है इंडिया और जापान की कंपेरिजन में चाइना और जापान का। तो आप एक चीज़ तो ये सामने है, मतलब इंडिया का ट्रेड चाइना जापान के साथ जितना होना चाहिए उतना ट्रेड नहीं है। इसके बाद में बात की जाती है कि इवन इंडिया और चाइना का ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है, इवन इंडिया और चाइना का ट्रेड यहाँ पर कंपेयर किया जाए वो आ रहा है 84.44 बिलियन। तो आप देख सकते हो कि इंडिया और जापान का ट्रेड काफ़ी कम है यहाँ से देखा जाए तो बाकी जो दोनों कंट्रीज के साथ ट्रेड। तो यहाँ पे एक चीज़ सामने आ रही है कि भाई इंडिया और जापान दोनों है ना चाइना को काउंटर तो करना चाहती हैं बट दोनों के ट्रेड हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं चाइना के साथ, ये चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है। अब इसके लिए क्या क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी यहाँ पे 2-3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया। जैसे एक मुद्दा ये आता है कि यहाँ पे इंडिया की इमेज को डिस्कस किया गया कि भाई इंडिया का जो सिस्टम है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंडिया को समझ पाना काफ़ी मुश्किल है, मतलब वो वाली बात हो गई है कि डॉन को समझना इतनी मुश्किल ना पकड़ना भी मुश्किल और क्या है। यहाँ पे देखो फिर राइटर बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो क्या है कि देखो इंडिया में जो क्वालिटी की बजाय क्या क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि आप बेसिक लाइफ में चीज़ें देख सकते हो कि हम जब भी कभी मार्केट जाते हैं तो हम मैक्सिमम चीज़ों पे क्वांटिटी पे देखते हैं कि यार ये 10 रुपये की इतनी चीज़ आ रही है, 10 की इतनी दे रहा है, तो हम ये वाली चीज़ लेंगे। तो मतलब इंडिया में हमेशा क्या मैक्सिमली देखो केसेज की केस स्टडी यहाँ पे डिस्कस की गई है कि मैक्सिमली चीज़ें वो क्या कहते हैं क्वांटिटी पे ज़्यादा बिलू किया जाता है। और आपको पता है कि जापान की क्या है क्वालिटी बहुत अच्छी है और चाइना की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इंडिया का ट्रेड है वो चाइना के साथ ज़्यादा है, क्योंकि चाइना क्या क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए लोग हैं चाइना का प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं, और इसीलिए इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया और जापान के। इसके बाद में बात आती है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओल्ड, इंडिया के जो लोग हैं वो ओल्ड आइटम के प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, इवन जब वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं तब भी उनको यूज़ है वो करते रहते हैं। जैसे कि आप डेली लाइफ में देख सकते हो कि कई बार कोलगेट वगैरह अगर एक्सपायरी डेट हो जाते हैं तो भी हम लोग उनको यूज़ है वो करते रहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला चलने दो, तो वाला सीन यहाँ पे डिस्कस किया गया। इसके बाद में बात की जाती है कि बिहेवियर डिफरेंस, कि इंडिया के लोगों का बिहेवियर वो काफ़ी
काफ़ी अलग है, वो चीज़ को एक तरीके से बाल की खाल निकाल लेते हैं, उस वाली कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है कि इंडिया के जुगाड़ वाला सीन। देखो ये क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया इंडिया को, आप क्रिटिसाइज़ के नज़रिए से इस आर्टिकलों में देखिए, मतलब ये देखिए कि इंडिया के लोग हैं वो किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब देखो फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या कोई चीज़ हल्की सी खराब हो गई तो उसको रिपेयर के लिए भेज देते हैं, फिर वो रिपेयर होकर आते हैं तब उसको यूज़ करते हैं या फिर नई चीज़ ले लेते हैं। जबकि इंडिया में आपको पता है कि छोटी मोटी कुछ भी अगर मिस्टेक हो गई तो उसको जुगाड़ वाला सीन है वो यूज़ करते रहते हैं। आप जानते हो कि इंडिया में किस तरीके से हम डेली लाइफ में जुगाड़ का यूज़ है वो करते हैं, तो मतलब जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और जो आउटडेटेड चीज़ें वो भी हम काफ़ी बार यूज़ करते थे, और जो सस्ती चीज़ों की डिमांड है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर सस्ती चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी है वो दी जाती है, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। इवन देखा जाए तो जब देखो आज़ादी के टाइम पर जो स्वदेशी वगैरह के जो मूवमेंट चल रहे थे कि हम स्वदेशी चीज़ें अपने, उसमें भी यही दिक्कत आ रही थी कि भाई स्वदेशी जो चीज़ें बनाई जाती ना वो हैंडमेड थी तो वो महंगी थी, जबकि जो ब्रिटेन जो चीज़ें लेकर आ रहा था वो काफ़ी महंगी, ब्रिटेन जो चीज़ें लेकर आ रहा था वो काफ़ी सस्ती थी, इसलिए ब्रिटेन की चीज़ें ज़्यादा यूज हो रही थी तो स्वदेशी ढंग से सफल नहीं हो पा रहा था बार बार, वो भी एक रीज़न था। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो ऑब्वियसली अगर बेसिक डेली लाइफ के अंदर अगर हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो हम उन्हीं को तवज्जो देंगे ना, तो वो वाली बात है यहाँ पे। इसके बाद में फिर आगे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो आगे हमें ट्रेड बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और आगे हमें इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा सोचना होगा, जब तक हम आगे ट्रेड की ओर नहीं सोचेंगे तब तक हमें काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद में बात ऐसी कि हम कई बार कहें काफ़ी लिमिटेड एरिया में सोचते हैं कि यार इंडिया और जापान के बारे में, हम तो न्यूक्लियर एनर्जी की हमें ये चीज़ चाहिए तो हम केवल उसके बारे में ही फोकस करते हैं। हमें कई बार देखो उस कंट्री के इंटरेस्ट को भी फोकस करना होगा और हमें कई बार हमारे इंटरेस्ट को भी फोकस करना, मतलब दोनों तरफ हमें तालमेल बैठाने की कोशिश वो करनी होगी। और सबसे बड़ी बात बाद में आती है कि लार्ज स्केल पर हमें ट्रेड है उसको आगे बूस्ट करना होगा। इवन देखा जाए तो इंडिया की एक सबसे बड़ी कमी आती है वो आती है प्रोजेक्ट डिले की, कि इंडिया देखा जाए तो कहीं भी प्रोजेक्ट लगाने की बात तो कर लेता है बट उसके बाद प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले हो जाता है, और कई बार होता है मिसमैनेजमेंट वाला भी कि प्रोजेक्ट की लास्ट में कॉस्ट वो तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है वो लास्ट में 130 करोड़ या 200 करोड़ तक भी कई बार तो पहुंच जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट वो पे करनी होती है तो प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले वो सामने आता है। इसके बाद में फिर राइटर ये कह रहे हैं कि इंडिया में एक इश्यू है वो आता है रेगुलेटरी और पंचुअलिटी का। देखो जो फॉरेन कंट्रीज जो लोग हैं, इवन जापान का यहाँ पे डिस्कस किया मेनली कि जापान के लोगों काफ़ी पंचुअल होते हैं कि भाई उन्हें यह होगा कि सुबह भाई मेरे को 7 बजे वीडियो पब्लिश करना है तो पब्लिश करना ही है। इंडिया में क्या होता है कि रेगुलेटरी पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है कि हाँ रेगुलेटरी का मतलब कि हाँ भाई आज मेरे को ये काम करना है तो आज करना है, अब आज से सुबह आप सुबह मॉर्निंग 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप कभी भी कर सकते हो, तो इंडिया में इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हाँ यार आज का दिन है ना तो आज का दिन कभी भी कर लेंगे। जबकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि नहीं भाई ये काम 12 बजे करना है तो 12 बजे ही करना है, तो वहाँ पर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इंडिया के ये भी एक रीज़न यहाँ पर डिस्कस किया गया। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो फ्यूचर में अगर देखा जाए तो अभी आगे बहुत से स्कोप है, अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडिया और जो जापान है वो दोनों साथ मिलकर आ सकते हैं और वहाँ पे ट्रेड में बहुत ज़्यादा स्कोप मिल सकता है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर अभी देखा जाए तो लेबर की भी कमी है, वहाँ पे स्किल वगैरह भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। तो इंडिया और जो जापान और जो ऑस्ट्रेलिया और जो चाइना नहीं, जो USA का जो क्वाड ग्रुप है वो यहाँ पे काफ़ी अहम रोल निभा सकता है, इवन इंडिया और जापान दोनों भी इस वाले एरिया में आगे जा सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल के जो पॉइंट हैं यहाँ पे डिस्कस किए गए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में है, तो मेनली इंडिया और पाकिस्तान के बारे में जो इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया है GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं है क्या इस आर्टिकल में। देखो इस आर्टिकल में समीर और हिना जो इसके राइटर हैं उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, और समीर और हिना जो हैं इन्होंने एक्चुअली एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इन्वेस्टिगेटिंग क्राइसिस। ये उनकी एक बुक है इन्वेस्टिगेटिंग क्राइसिस जो कि साउथ एशिया पर मेनली फोकस करती है। अभी एक्चुअली जो समीर और हिना ये लोग हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं साउथ एशिया में जो भी कई बार क्राइसिस होते हैं चाहे रोहिंग्या वाला इश्यू या कोई भी इशू उसके ऊपर अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं और उसके बाद अपनी बुक वगैरह जो भी अपनी स्टडी वगैरह वो पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने समीर और हिना ने क्या किया है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर अपनी रिसर्च है वो पब्लिश की है। देखो इसमें इस आर्टिकल में मैंने आपको सीधा मोटा मोटा आपको सार बताऊं कि क्या कहा गया है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहा गया है, आप ध्यान से सुनना, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी कुछ होता है ना चाहे कोई सी भी टाइप की लड़ाई हो उस लड़ाई को एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर ढंग से कंट्रोल करने की बजाय क्या फोकस किया जाता है, फोकस किया जाता है कि उसका किस तरीके से पॉलिटिकली फायदा उठा जाए। ये बात केवल इंडिया के नज़रिए से नहीं कही जाती, ये बात पाकिस्तान में भी अप्लाई होती है और ये बात इंडिया दोनों में। देखो आपका इसको हम एग्जांपल समझते हैं, वो बात समझते हैं उरी के अटैक में। उरी का जब इंडिया में अटैक हुआ था, उरी हमला हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था इंडिया ने तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक, वो क्या था क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन आ रहे थे तो इंडिया के जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो अपने वोट बैंक के चक्कर में क्या कि देखो अपने आप इंटरेस्ट वो सर्व करना चाहती हैं, तो इसलिए उन्होंने उस तरीके से तुरंत रिएक्शन है वो किया था। बट देखा जाए बाद में पठानकोट का अटैक हुआ, तो पठानकोट के अटैक में उन्होंने इस तरीके का रिजल्ट नहीं दिया, मतलब जो अंजाम देना चाहिए था या जो रियल में ग्राउंड लेवल पर जो वर्क करना चाहिए था वो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्शन आ रहे थे यहाँ पर भी, और इवन पाकिस्तान
पाकिस्तान में भी इलेक्शन आ रहे थे तो वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो पाकिस्तान में इस आइडियोलॉजी को फैलाया जाता है कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे देखो हम इंडिया के ऊपर अटैक है वो लगातार करें, हम इंडिया को दबाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया में इलेक्शन आते हैं तो क्या दिखाया जाता है कि हाँ हम भाई हम हैं पाकिस्तान को पूरे ढंग से कंट्रोल करने की कोशिश है वो कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो इस आर्टिकल का जो मेन सार है जो हम आर्टिकल कहीं भी यूज़ करते हैं वो यही है कि जो पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, मेन जो ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है उस पर फोकस नहीं किया जाता है और जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम है वो यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को यहाँ पे डिस्कस किया गया, ये नहीं कि केवल इंडिया में ही होता है या पाकिस्तान में ही होता है, तो हमें ग्राउंड लेवल पे फोकस वो ज़्यादा करना होगा, ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो ये इस कंप्लीट आर्टिकल की जो बातें हैं वो हमारे लिए काम की हैं, बाकी इसमें कोई भी हमारे काम लायक बात नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कि डिस्कस किया गया है, इसमें मेनली डिस्कस किया गया है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का जो बांग्लादेश है उसकी बात। इसमें देखो मेनली एक दो पॉइंट यही है, ज़्यादा कुछ इसका भी इतना कुछ खास नहीं है, बस केवल आप समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम वगैरह में तो इस पॉइंट को हम कहीं यूज़ हो नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि भाई जो ईस्ट पाकिस्तान और जो वेस्ट पाकिस्तान था ये इंडिया के लिए काफ़ी खतरनाक था उस टाइम पर, जो राइटर है उनका ये कहना है। तो वो ये कह रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही इंडिया के लिए खतरनाक थे, क्योंकि इंडिया को देखो इंडिया रह गया था बीच में और इधर आ गया था ईस्ट पाकिस्तान और इधर आ गया था वेस्ट पाकिस्तान, तो दोनों को इंडिया को खतरा हो रहा था कि यार इधर भी दुश्मन होगा इधर भी दुश्मन होगा तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना ईस्ट पाकिस्तान के अंदर माहौल भी थोड़ा बहुत तैयार है वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम इस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा उठा लें और हम इसको अलग आज़ाद करवा दें, अगर ये आज़ाद हो जाएगा तो हम इसे अपनी मतलब हमारे फेवर में आ जाएगा, क्योंकि हम इसे आज़ाद करवा देंगे थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देंगे तो ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड हो जाएगा, तो हमारा जो ईस्टर्न वाला एरिया वो थोड़ा शांत हो जाएगा, मतलब इस वाले एरिया में डर वो नहीं रहेगा। तो इसलिए इंडिया ने उस टाइम पर क्या है कि 1971 में जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जो इंदिरा गांधी ने काफ़ी सोच समझ के अपनी कूटनीति के यूज़ की थी और उसके साथ ही उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आज़ाद वो करवा दिया था। तो ये बात यहाँ पे डिस्कस की गई है, मतलब बांग्लादेश का निर्माण किस तरीके से क्यों क्या ये इंडिया की रणनीति थी उस टाइम पे, उस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया कि भाई इंडिया अपने इस वाले पॉलिटिकली इंटरेस्ट बोल सकते हो या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को सिक्योरिटी के लिए सोचा कि भाई इस वाले एरिया को आज़ाद है वो करवा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए। तो इस आर्टिकल में मैंने यही पॉइंट थे। तो फिलहाल की देखो डिस्कशन में तो इतना ही है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जरूर आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि भाई किसानों का जो पीसफुल मूवमेंट है उसके बाद में कि किस महाराष्ट्र में किसानों का पीसफुल मूवमेंट हुआ वो गांधी की आइडियोलॉजी से प्रभावित था और किसानों के क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक है वो किसकी है, वो हमने डिस्कस किया कि स्टीफन की जो बुक है जो कि साइंटिस्ट थे जो उनकी डेथ वो कल हो गई थी तो उनके बारे में, उसके साथ ही देखा कि उनका जो मेन योगदान था वो था ग्रेविटेशन और कॉस्मोलॉजी सेक्टर में, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी, ये मैंने के नजरिए से इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में हमने इंडिया और जापान रिलेशन को डिस्कस किया। इंडिया और जापान रिलेशन में हमने सारी जो ब्रीफली डिस्कस किया भाई इंडिया और जापान दोनों की डिमांड और सप्लाई है वो आपस में मैच खा रही है तो दोनों में फ्यूचर में काफ़ी सारे स्कोप्स हैं। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया में पंचुअलिटी का बड़ा इश्यू है कि लोग टाइम पर काम नहीं करते हैं और रेगुलरिटी पर ज़्यादा बिलीव करते हैं जबकि जापान के अंदर पंचुअलिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में आगे कहाँ कहाँ इस फ्यूचर में स्कोप रिलेशन के वो हमने डिस्कस किए और इंडिया और चाइना के बारे में थोड़े पॉइंट डिस्कस किए। इसके साथ ही हमने इंडिया और पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया कि इंडिया और पाकिस्तान में जो भी अटैक वगैरह जो भी हमले वगैरह होते हैं तो उनको किस तरीके से यूज किया जाता है और क्या पॉलिटिकल पार्टियां अपने इंटरेस्ट वगैरह को सर्व करती हैं। इसके साथ ही हमने वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का जो छोटा सा आर्टिकल था जिसके दो तीन पॉइंट थे दोनों को हमने डिस्कस किया। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और जो PDF है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। कल एक्चुअली साइट वगैरह में कुछ थोड़ा इश्यू हो रहा था तो वो पब्लिश नहीं हो पाई थी, तो मैंने आज अपलोड कर दी है सारी PDF वगैरह, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जो क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे अपलोड हैं वो किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी साइंस एंड टेक का रिवीजन है वो हम आज के एक आज शाम को हो सकता है एक वीडियो पब्लिश कर देंगे,